आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में योगी सरकार 2.0 के 6 महीने पूरे हो गए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। मुख्यमंत्री योगी ने दूसरे कार्यकाल से पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र जो संकल्प लिए थे, सरकार ने 6 महीने में उन्हें पूरा करने का प्रयास किया। प्रदेश में युवाओं को रोजगार की बात हो या फिर माफिया अपराधियों पर नकेल कसने का संकल्प, हर मुद्दे पर सरकार ने जनता के लिए समर्पण के भाव से प्रभावशाली काम किया है। इन 6 महीनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया बल्कि समय समय पर योजनाओं के विकास की समीक्षा भी की। इस दौरान सरकार ने अपराधियों पर नकेल कसने के अभियान को और तेज किया है। हमारे साथ विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु आज सरकार ने 6 महीने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, जिसको हम 2.0 का नाम भी दे रहे हैं। जी नंदी, आपको बता दें कि बुलडोजर और कानून व्यवस्था में सुधार का दावा करने के बाद योगी सरकार 2.0 फिर से सरकार बनाती है और 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में वापस लौटी। उसी क्रम में आपको बताएं कि जब सरकार का पहला मंत्रिमंडल का बैठक होता है मंत्रिमंडल के गठन के बाद, उस वक्त मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जाता है कि विकास कार्यों की एक सीमित समय में अच्छे विकास करने के लिए, साथ ही साथ जो लोक संकल्प पत्र था यानी कि मैनिफेस्टो, उसमें किए गए वादों को जमीन पर उतारने को लेने को लेकर सरकार ने जो 600 दिन का एक लक्ष्य रख के काम किया, उसके ठीक बाद आज 6 महीने पूरे हुए हैं और 6 महीने का भी लक्ष्य रखी थी कि हमें इतने दिनों में जो तय समय है उसमें ये काम करना है और जो लोक संकल्प पत्र है उसमें किए गए वादों को पूरा करना है। उसी क्रम में आपको बता दें कि 180 दिनों की इस सरकार में कहीं ना कहीं तमाम नए काम हुए हैं। उसी क्रम में योगी सरकार जो मंत्रियों के जो असंतुष्टि फैली, साथ ही साथ नौकरशाही में जो खींचातानी रही उसको लेकर चुनौती मिली, मगर ऐसे कई सारे काम किए गए जो संकल्प पत्र में दावे किए गए थे, वादे किए गए थे। आपको बताएं कि अगर बात की जाए तो योगी सरकार 2.0 माफियाओं पे कार्रवाई और बात की जाए तो जो कानून स्थापित की बात करती है उसके दावे के बाद आई। उसी क्रम में आपको बताएं कि 62 माफियाओं के 896 गुर्गों पर, 896 मेंबर्स पे कार्रवाई करते हुए 180 दिनों में लगभग सैकड़ों लोगों को जेल भेजा। साथ ही साथ आपको बताएं कि 36 माफियाओं को आजीवन कारावास और उसी में कई लोगों को, 2 लोगों को फांसी भी दी गई। साथ ही साथ 62 मेंबर्स के लगभग 20,000 से ऊपर करोड़ की संपत्तियों को जब्त किया गया जो गलत तरीके से धन अर्जित किए गए थे। साथ ही आपको बताएं कि जैसे मुख्तार अंसारी को भी 36 लोगों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और वहीं आपको बताएं कि हाल फिलहाल में ऐसे कई सारे केस मुख्तार अंसारी पे हैं, मगर पिछले 6 महीनों के अंतराल में ही मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वहीं आपको बात करें तो प्रदेश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेकर सरकार लगातार तत्पर है। और वहीं अगर बात की जाए तो ग्राउंड ब्रेकिंग 2.0 की सेरेमनी का आयोजन करके सरकार ने निवेशकों का बाजार उत्तर प्रदेश में लगाया। साथ ही साथ एक लक्ष्य रखकर काम कर रही है कि 2027 तक उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसको 1 ट्रिलियन तक छुआ जाएगा। साथ ही साथ जो प्रदेश की चौमुखी विकास की बात की जा रही है उसमें लगातार अग्रसर है। वहीं अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में एक से जो देश है उसमें एक्सप्रेसवे वाले प्रदेश के नाम से जाने लगा है, क्योंकि अगर बात करें तो फिलहाल में 6 एक्सप्रेसवे पे
अभी उत्तर प्रदेश में काम चल रहे हैं और कुछ शुरू हो गए हैं, और इसके दावे करते हुए सरकार लगातार दिल्ली से जोड़ रही है एक्सप्रेसवे को, चाहे बात की जाए गाजीपुर से दिल्ली की, चाहे बात की जाए इलाहाबाद से दिल्ली की, चाहे बात की जाए लखनऊ से, लखनऊ एक्सप्रेस से दिल्ली को जोड़ने की, तो लगातार उस पर काम कर रही है। वहीं आपको बताएं कि 6 घंटे से लेकर और 11 घंटे तक उत्तर प्रदेश के जिलों से आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। साथ ही निवेशकों के बाजार को लेकर 10 लाख का निवेश का खाका तैयार किया है। और आपको बताएं कि साल के अंत में और अगले साल के शुरुआती महीनों में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का तैयार किया जा रहा है, जिसमें विदेशों में जाकर उत्तर प्रदेश के उत्पादनों को जाके वहाँ उसके विस्तृत रूप से बताकर और साथ ही साथ निवेशकों को भारत लाने की तैयारी है। वहीं आपको बताएं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत लगभग 205 रिफॉर्म लागू किए गए हैं, जिससे 31 अक्टूबर तक लागू किए जाएंगे, जिससे निवेशकों की बाजार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सच सकेगी और उत्तर प्रदेश का विकास जो कि जो गति है उसमें रफ्तार आएगी। वहीं अगर बात की जाए महिला सशक्तिकरण की 6 महीनों में, तो महिला सशक्तिकरण को लेकर लगभग उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 1584 थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, जिससे अगर महिलाएं कहीं ना कहीं जो पुरुष थाने होते हैं उसमें जाने से कतराती हैं, उसमें बेहतरी लाने को लेकर अब 1584 महिला डेस्क बनाए गए हैं थानों के अंदर में, जिससे महिलाओं की समस्याओं का निदान महिला डेस्क में मिल सके। साथ ही साथ महिला साइबर सेल की भी गठन की गई है, जो उत्तर प्रदेश के हर एक जो जिले हैं उसमें वे जो साइबर अटैक होते हैं, साथ ही साथ जो सोशल मीडिया पे तमाम मंचले तमाम कमेंट करते हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की सरकार है साइबर सेल बनाई है। वहीं मंचलों पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है कि अगर किसी स्कूल कॉलेज या किसी ऐसे जगहों पर अगर मंचले छेड़खानी करते हुए पकड़े जाएं तो पुलिस उन्हें सादी वर्दी में गश्त के दौरान पकड़ सके। साथ ही छुट्टियों के दौरान स्कूलों पर पुलिस प्रशासन सादी वर्दी में घूम रही है, जिससे जो मंचले हैं उस पर शिकंजा कस सके। वहीं अगर देखा जाए तो सरकार की 6 महीनों में चुनौतियों की, तो मंत्रियों में असंतोष, साथ ही साथ जो तबादला नीति है उस पर भी सवाल उठे, और नौकरशाही में खिंचातानी एक बड़ा सरकार के लिए चुनौती रहा है। साथ ही अब देखने वाली बात यह होगी कि जो अब 100 दिनों के जो खाका थी, वो जो 100 दिनों का लक्ष्य था वो पूरा हो गया, 6 महीना पूरा हो, जो अगला लक्ष्य है वो सरकार कितना पूरा करता है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से कितना निवेशकों की बाजार उत्तर प्रदेश में आ सकता है। जी विभांशु, अगर बात करें किसानों की, तो कई जगह बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, फसलों की बर्बादी हुई है, किसानों को लेकर विपक्ष ने भी हमला किया था। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जो कि एक कृषि प्रधान प्रदेश है, साथ ही साथ चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो यहाँ के किसानों की बेहतरी को लेकर जो केंद्र सरकार की योजना है, चाहे बात की जाए किसान सम्मान निधि, चाहे बात की जाए ऐसे तमाम निधि जो उत्तर प्रदेश सरकार ला रही है, साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में जो नदियाँ हैं उत्तर प्रदेश की, साथ ही साथ नाले हैं उसके जस्ट उसके तराई क्षेत्र में जो इलाके हैं, जो उसके तट हैं, वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करके और प्रदेश की जो बेहतरी है उसमें जो कृषि में बेहतरी लाने को लगातार काम कर रही है। साथ ही साथ आपको बताएं कि किसान सम्मान निधि से कहीं ना कहीं जो सरकार है वो किसानों को लगभग 2,000 रुपये 3 माह पर एक बार देकर किसानों की बेहतरी का काम कर रही है। वहीं अगर बात की जाए तो आज मुख्यमंत्री जल प्रबंधन को लेकर एक मीटिंग कर रहे हैं कि हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो आने में पिछले साल से कहीं ना कहीं इस बार बारिश ज़्यादा है, साथ ही साथ लगभग 200 से अधिक जो गांव हैं वो पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित हैं, तो इसको लेकर जो मौसम विभाग पूरी तरह से काम कर रहा है और साथ ही साथ जो आपदा प्रबंधन है उसके साथ मीटिंग करके और बाढ़ की स्थिति को नियंत्रण करने में लगातार काम कर रही है। वहीं अगर वापस लौटे किसानों पर, तो किसानों की बेहतरी के लिए लगातार सरकार काम कर रही है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, उन्होंने हाल ही में अपने कार्यक्रम में कहा है कि हम जल्द ही किसानों को 16 पंप देंगे, जिससे उनके डीजल में जो खर्च आ रहे हैं उसमें घटोतरी होगी। जी मयूरी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप
देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।